सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग इट। सो पीछे देखकर आपको पता लग ही गया हो कि आज हम आए हैं सेंट जैकब्स की फार्मर्स मार्केट में। और मैंने सुना है, और लास्ट वीकेंड भी हम आए थे, कि यहाँ पर जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सस्ती होती हैं। तो हमने वीकेंड पे जो अपनी ग्रॉसरी करी थी ना, वो हमने नहीं करी थी। हमने सोचा सब कुछ यहाँ अंदर आके लेते हैं बहुत सस्ते में, क्योंकि ये सस्ता इस वजह से क्योंकि जो सारे फार्मर्स हैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना सामान सभी लोगों को बेचते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, डेबिट क्रेडिट यूज़ नहीं होता है। तो उसके लिए हमने कैश वगैरह जो है निकलवा लिया था, क्योंकि लास्ट वीकेंड हमारे पास कैश नहीं था, हम कुछ ले नहीं पाए थे। सो बहुत सारा हो गया। सो अंदर चलते हैं, डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, वो ना कि लोकल फार्मर्स वगैरह की भी है, बट लोकल वेंडर, जैसे कि जिन्होंने अपनी स्मॉल स्केल पे जिनके बिजनेस है या लार्ज स्केल पे जिनके बिजनेस है, उन्होंने भी अपने जो है स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं। और खाने पीने को बहुत सारा सौदा होता है, एकदम जबरदस्त, मजा ही आ रहा है। सारे मैंने अभी अंदर जाके देखा कि मूंगफली का स्टॉल भी था। मूंगफली है, एप्पल फ्रिटर्स मिलते हैं, मेरे फेवरेट होते हैं एप्पल के पकौड़े। चलो अंदर जाके ट्राई करते हैं। यहाँ मेरे पीछे लेमनेट की शॉप है। पिछली बार हम आए थे ना कुछ साइड, है ना, और हमने ट्राई किया था, जिसकी कॉस्ट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने परचेज किया था जो $8 है। और पिछली बार हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ट्राई किया था, अब कुछ और करेंगे। वाटरमेलन कर सकते हैं, बट हम लेमनेट ट्राई करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेमनेट पिछली बार भी तो लेमनेट ही लिया था, वाटरमेलन लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लाइक वो जो जूस नहीं बनाते हैं वाटरमेलन और मिंट डालकर, बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करो। एकदम निराई वाटरमेलन है, तो रिफ्रेशिंग बहुत है। यहाँ पर आके जो फीलिंग आ रही है ना, इंडिया के ट्रेड फेयर वाली आ रही है, कि लोग यहाँ पर मेडिसिन वगैरह बेच रहे हैं और आर्टिफैक्ट्स बेच रहे हैं, होममेड, इतना मजा आ रहा है, क्या ही बताऊँ। भीड़ देखो, वो सारा जो एरिया वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे अपने इंडिया में दिल्ली में सब्जी मंडी वगैरह नहीं होती थी, वैसा हिसाब किताब है। यहाँ पे एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं लोग, और ऐसे बिक रहा है जैसे पता नहीं क्या ही मिल रहा हो। आपको प्राइस वगैरह दिखाते हैं भाई साहब, यहाँ पे तो प्रॉपर अपना सब्जी मंडी वाला हिसाब किताब हो रखा है। ये जो पपाया होता है ना वॉलमार्ट के अंदर, काफी महंगा मिलता है, $4-5 का एक होता है ना, यहाँ पे $5 के दो आ रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट फार्मर से। हमारे फेवरेट मैंगो, मैंगो का क्या प्राइस है सर? 3 मैंगो $5 के। यार, तो यहाँ पर आने का मेन स्पेसिफिक हमारा रीजन है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, एक तो फार्मर से आती है, फ्रेश होती है, और दूसरा सस्ता बहुत है। आप बहुत सारे अपने मनी जो है वो सेव कर सकते हो। साहिब जी, और मैंने डिसाइड किया है कि हम जो मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना, वो अब से जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो फ्रेश हम यहाँ से लिया करेंगे, वीकेंड के वीकेंड आप। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यार जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारा का सारा सौदा जो है वो लोकल फार्मर से ही आता है, इम्पोर्ट भी होता है, साउथ अफ्रीका मैक्सिको वगैरह से सामान आता है। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ लोकली ग्रोन है और फ्रेश है, और कौन सी बाहर से इम्पोर्ट हुई है, तो उस हिसाब से अपना सौदा लेना। जो इम्पोर्ट हुई है वो थोड़ी सस्ती होगी, जो आस पास से आई है वो थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन ज़्यादा बेटर होगी, क्वालिटी उसकी बढ़िया होगी, सिस्टम एकदम सेट होगा और हिसाब किताब एकदम बढ़िया होगा। सारे वर्ड्स ने एक ही वीडियो में यूज कर दिए, राइट। सो भाई, ये रही वो स्ट्रॉबेरीज जिसकी हम बात कर रहे थे। उस दिन जो थी वो $10 की 5 थी, अभी 4 है। पता है, जब आओ ना 2 बजे के करीब, तो थोड़ी सा और सस्ता हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ये बंद होने वाला होता है। 3 बजे बंद होती है, तो ये फटाफट से क्लियर करने के लिए थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं, 10 के 5 कर देते हैं, अभी 10 के 4 है। तो हम एंड में फिर आपको बताएंगे एंड में कि हमने कितने की ली, और अभी तो 4 ली या 5 ली। हाँ, और अभी ना सारा काम शांति से चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तब क्या होता है $1, $1, $2, $2 ये हिसाब किताब चल रहा है। तो वो भी दिखाएंगे, तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, और खरीदना वाला काम जो है ना वो बाद में एंड में करेंगे, एकदम जब वो खत्म हो रहा होगा। जो स्ट्रॉबेरीज हैं, ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसका जो प्राइस है वो है $30, और अगर आपको कम चाहिए तो वहाँ पे 2 बॉक्सेस मिल रहे हैं $12 के। थोड़ा महंगा सौदा है, थोड़ी लेट आएंगे तो ये अपने आप सस्ता हो जाएगा, भी सस्ता लेंगे। यहाँ पे बियर शीर भी मिलती है, अपना पीने का सौदा मिलता है, और ये लोकली ब्रूड है, मतलब किचनर में ये बनाई गई है इन भाई साहब के द्वारा, और इनकी प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह, और यहीं पर सारा सौदा है बनाते हैं, और पीछे ऑर्गेनिक ब्रेड वगैरह मिलती है जो आपको दिखाते हैं।
और भाई साहब यहाँ पे पता नहीं कौन से भिन्न भिन्न प्रकार की अंग्रेजों वाली ब्रेड मिल रही है, उसका जो प्राइस है वो है $7, अगर आप दो लेते हो तो वो $12 की है, पता नहीं कौन कौन सी है, ऑलिव एंड हर्ब्स हनी वाली सिस्टम एकदम सेट है। भाई साहब यहाँ पे पता नहीं कौन सी आइटम मिल रही है, शक्ल से तो गुजिया लग रही है जो इंडिया में हम होली के टाइम खाते हैं, यहाँ पे इनका नाम है एम पानाडाज, आई डोंट नो व्हाट आर दे, और इनका जो प्राइस है वो है $4, और वहाँ पे चूरोस वगैरह ही मिल रहे हैं। यार एक तो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, एक हमारे हाथ में जगह घेरी हुई है इसने। तो इसमें इन्होंने पूछा कि ये जो एम्पेनाडाज है, एम्पेनाडाज इनका रियल प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का, इसमें चिकन भी है, पोक भी है, वेजीज भी है, तो उन्होंने पूछा आपने क्या चाहिए। तो ये नई सी डिश है तो इट्स बेटर कि हम वेजी ट्राई करें। ओह आ गया, थैंक यू। तो देखते हैं अब ये वेजी एम्पेनाडाज कैसा है टेस्ट। इट टेस्ट लाइक समोसा। अच्छा, यू वांट ट्राई? जो भी है बढ़िया है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं क्या ही खा लिया, अच्छा है। और इसके अंदर पनीर है और कॉर्न है। या इंडिया में आते थे समोसे की वेजी समोसा, मियोन वो चाउमिन समोसा, इस टाइप का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है इसमें। ये है ऑर्गेनिक हनी, तो हनी तो मेरे को लेना ही था क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से मुझे मिलेगा। सो भाई हमारा जो है हनी में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि वाइल्ड फ्लावर, समर ब्लॉसम, तो इन्होंने मुझे रेकमेंड करा है कि समर ब्लॉसम इज़ द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सो वी गॉट इट और आगे चलते हैं। आप यहाँ पर तो इतने ज़्यादा स्टॉल्स हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसका मतलब है कि हम खाने से तो रुक ही नहीं सकते। अभी हम डाइटिंग कर रहे थे क्योंकि हमने ट्रिप पे जाना है, तो मुझे नहीं लगता कुछ साहिब जी हमसे डाइटिंग हो पाएगी। और साहब यहाँ पे धूप वगैरह भी नहीं है, सिस्टम एकदम सेट है, बढ़िया खाएंगे, पेट भर के यहाँ से अंदर से निकलेंगे। एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप फार्मर्स मार्केट आते हो ना तो अपनी कैप वगैरह डाल के आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। Right. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एप्पल फ्रिटर्स, जो कि मेरे फेवरेट है, यहाँ पीछे मिल रहे हैं। जैस्मिन जी को भी ट्राई कराते हैं जब हम ऑफिस से ब्रेक में आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस फार्मर मार्केट के पास मेरा ऑफिस है, तो एप्पल फ्रिटर्स हम जरूर खाते हैं, उनके ऊपर आइसक्रीम, सारी चीज़ें आपको वहाँ जाकर बताता हूँ। एप्पल फ्रिटर की लाइन तो यहाँ से शुरू हुई है, देखते हैं एंड का होगी। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो जो स्टॉक यार्ड्स ब्रूइंग कंपनी है ना, उन्होंने सारा का सारा एरिया ले रखा है, तो यहाँ अंदर आके आप अपनी बियर वगैरह पी सकते हो, लेकिन यहीं से खरीदनी पड़ेगी। बाहर से अगर अल्कोहल खरीदते हो तो वो अलाउड नहीं है। साहिब अगर अच्छे ना हो है ना फिर देख लेना, क्योंकि पता नहीं कितनी देर, 15 मिनट हो गए इस लाइन में खड़ी होते हुए। आने वाला है वेलकम वाला लेना, हाफ डजन लेना है आइसक्रीम विद मेपल सिरप, मेपल सिरप और कैरेमल सॉस। आइसक्रीम वाला ना भाई आप लेकर आए हो, आप बताओगे। यार आइसक्रीम के साथ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, मेरे को तो नॉर्मल अच्छे लगते हैं। नॉर्मल ले लेते हैं। Finally the wait is over. भाई देखने में तो इडली वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा। साहिब जी अगर ये अच्छा ना हुआ ना दिक्कत हो जाएगी फिर आपके साथ। अरे खाओ यार। वेरी डिलीशियस, आप पास हो गए गुड साइकिल। सो फ्रेश जूस है ऑरेंज का, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। $12 है छोटी बॉटल और $22 है बिग बॉटल। हाउ मच इज अ ग्लास? $3। थैंक यू। तो भाई ये हमने बॉटल ले ली है फ्रेश ऑरेंज जूस, जिसका प्राइस है $12। अब गुस्सा, ये इन्होंने कहा है 2-3 वीक्स तक चलेगी और मुझे पता है ये ख़त्म हो जानी है रात तक। तो ये बड़े बड़े जो टमाटर है जो इतने इतने महंगे होते हैं यहाँ पर है $6 के ही पूरी की पूरी बास्केट, और कुकम्बर्स है 3-5। चलो नेक्स्ट स्टॉल पे। ब्लूबेरीज का प्राइस तो बहुत ही बढ़िया है 2-5, क्योंकि एक आती है 4.97 की, इतना मुझे याद है, हर टाइम ग्रॉसरी करते हैं, तो इस बारी $5 में 2 हो गए। स्मूदी बनाने के लिए रेसबेरी भी ले ली है 2-5।
ग्रेप्स भाई $5 की पूरी बास्केट। मुझे याद है कि मैं लास्ट वीक ना चेरीज लेने ना वॉलमार्ट गई थी, तो $13 का एक छोटा सा बैग आया था और यहाँ पर है $7 की पूरी बास्केट। सारे के सारे फ्रूट्स जो हमने अभी लिए हैं, ब्लूबेरी, रेसबेरी, ग्रेप्स, ये सब हमें सिर्फ $22 के पड़े हैं। आप हिसाब लगा लो अगर आप कहीं और जाते हो तो कितना महंगा पड़ता है। तो आई थिंक मनी सेव करने का एक और तरीका है कि हम अब से शायद से फार्मर्स मार्केट से ही फ्रूट्स वगैरह लेंगे, तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं हम। पीछे आपको दिख ही रहे होंगे, ये सारे के सारे 2 for $10 है। सो गुरसाहिब जी खाने हैं फिर पीछे खिलाओगे तो खा लेंगे। तो एक बॉक्स ले लेते हैं $5 वाला। यस ठीक है। अभी कितने ज्यादा फ्रेश पेपर्स हैं, राइट गुरसाहिब? और सिर्फ $5 की दो बास्केट, कितना सही है यार। बहुत सिस्टम सेट अगर भी क्या है। थैंक यू। सो डन है, सिर्फ क्या रहता है अब? स्ट्रॉबेरीज। चलो फिर वो लेते हैं। भाई साहब $3 का तरबूज मिल रहा, मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट फ्रूट है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। वॉलमार्ट में अगर लेते हैं तो भाई $8-9 के इतने बड़े बड़े आते हैं, लेकिन ये छोटे हैं। लेकिन $6 के दो लेंगे तो किफायती रहेगा हिसाब। बट अभी टाइम नहीं है ना, हमने बहुत सारी पैकिंग करनी है एंड ऑल राइट। काटने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस हफ्ते नहीं है, शायद नेक्स्ट वीक लेंगे। हम खाने से बिल्कुल भी नहीं हट सकते हैं, हमारे हाथों में इतने ज्यादा थैले हैं, बट थैले होते हुए भी हमने सोचा गन्ने का जूस, जो कि हम इंडिया में पीते थे और यहाँ बहुत मिस करते हैं। भाई साहब इसमें गन्ने का जूस तो देते हैं, साथ में मैंगो भी मिक्स करवा सकते हो, पाइनएप्पल भी ले सकते हो, लाइम भी डलवा सकते हो, तो अलग अलग फ्लेवर मिक्स करके अपना सिस्टम बढ़िया करवा सकते हो। जब एकदम प्योर गन्ने का जूस है, लेकिन इंडिया वाला ज़्यादा बेटर होता था क्योंकि उसमें मिंट वगैरह डालते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते थे। ये सिर्फ गन्ने का जूस है, तो ये हिसाब किताब है, इंडिया वाला बेटर है। तो भाई हमारी जो थी शॉपिंग हो गई है, हमें ये जो फार्मर्स मार्केट है ना, हमें बहुत रीजनेबल लगा और आई थिंक हम आज के बाद से यहीं आया करेंगे वीकेंड में। और अगर आपको ये हमारी प्यारी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।